Hey, what's up guys? This is me, Lovjit Arora. Welcome to the Tech Queen channel. तो बच्चा आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं द डिफरेंस बिटवीन इज एंड इन ऑपरेटर. इज और इन का क्या अंतर है पाइथन के अंदर. आपने बहुत वीडियोस ढूंढी होंगी और उसके बाद में शायद जाकर के आपको मेरा लेक्चर दिखा होगा. और बच्चा आप लोग इस लेक्चर को कंप्लीट देखना. आपका इसमें जो आपको डिफरेंस आपको समझ में नहीं आ रहा है वो मैं आपको क्लियर कराऊंगी. तो इसके लिए हम लोग जल्दी से जल्दी बिना आपका टाइम वेस्ट किए, क्योंकि टाइम बहुत ही कीमती है, और बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग सीधा सीधा जंप करते हैं पाइचाम के ऊपर और यहाँ पर इज और इन के बीच में अंतर देखेंगे. इज हमारा होता है बच्चा एक आइडेंटिटी ऑपरेटर. इन हमारा होता है मेंबरशिप ऑपरेटर. जैसा नाम है वैसा काम है. यहाँ पर देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं. हम ये चेक कर रहे हैं कि ए अगर यहाँ पर 1, 2, 3 है. अब मैं ऐसा कर रही हूँ कि प्रिंट करा रही हूँ और बी के अंदर मान लो हमने सेम ही ले लिया 1, 2, 3. तो मैं ऐसा कह रही हूँ कि ए इज बी. क्या मेरा ए बी है कि नहीं है. अब मैंने आपको जब इक्वल्स टू और इज के बीच में अंतर बताया था तो ये बताया था कि भाई दोनों ये चेक करता है इज कि दोनों का ऑब्जेक्ट जो है सेम को ही रेफर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे. एड्रेस सेम को रेफर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे. एड्रेस सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है. अगर सेम आएगा एड्रेस कैसे चेक करोगे आप कि भाई एड्रेस कहाँ पर है, मेमोरी में कहाँ पर ये स्टोर है. तो वो आईडी ऑपरेटर से आईडी फंक्शन से आप कर सकते हैं, है ना. तो आईडी फंक्शन से आप कर सकते हैं. तो अब मैं अगर इसका एड्रेस देखूँगी बी का तो मुझे क्या आंसर मिलेगा भाई यहाँ पर अगर मैं दोनों को यहाँ पर रन करूँगी. सो अलग अलग एड्रेस है उस बेसिस पर यह मुझे आंसर कर रहा है भाई फॉल्स, राइट. तो इसका जस्ट हो रहा है कि भाई ये कंपैरिजन कर रहा है दोनों के बीच में. एड्रेस का एक तरीके से कंपैरिजन हो रहा है कि भाई वो चीज़ है कि नहीं है, है ना. जैसे मैंने हम इंग्लिश में इसका यूज़ नहीं करते कि ये है कि नहीं है इज. तो इस तरीके से कंपेयर हो रहा है. बट जब हम यहाँ पर मेंबरशिप ऑपरेटर को लेकर के आते हैं तो हम यहाँ पर अब उसका एड्रेस वेड्रेस से कोई लेना देना नहीं है. वो क्या करेगा, वो ये चेक करेगा कि वो पर्टिकुलर चीज़ क्या उसका मेंबर है कि नहीं. तो हम ये कह रहे हैं कि भाई हमारा वन है जो बी का मेंबर है कि नहीं. तो है तो वो ट्रू कहेगा. उसका एड्रेस वेड्रेस से कोई लेना देना नहीं है वन का. अगर मैंने यहाँ पर कह दिया 11 तो ये कहेगा कि भाई 11 क्या बी में है कि नहीं है. तो आपके पास में फॉल्स, क्योंकि वो नहीं है मेंबर. यानी कि ये चेक कर रहा है कि भाई वो उसका मेंबर है कि नहीं उस पर्टिकुलर चीज़ का. जैसे अगर हम सारी चीज़ें छोड़ दें और यहाँ पर ऐसा कह देते हैं भाई लव जीत ऐसा. तो अब मैं ऐसा प्रिंट कर रही हूँ कि मेरे पास में एल है, क्या वो इसके अंदर है कि नहीं है ए के, क्या वो उसका मेंबर है कि नहीं है. तो उस बेसिस पर इट इज़ सेइंग ट्रू. अगर मैं यहाँ पर स्मॉल एल लगा दूँगी तो उस बेसिस पर इट विल से फॉल्स. वही चीज़ अगर हम लोग यहाँ पर इसके केस में करते हैं इन की जगह इज, तो ये कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है यहाँ पर, ठीक है. ऐसा कोई कंपेयर नहीं हो रहा है कि भाई हमारा इज क्या है यहाँ पर. मैं ऐसा कर लेती हूँ, इसको एल को अलग वेरिएबल में डाल देती हूँ, बी में डाल देते हैं ना. तो एल, तो अब अगर मैं बी यहाँ पर चेक करूँ और ऊपर भी हम लोग चलिए खैर बी लिख देते हैं. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सिर्फ मेंबर है उस ए का कि नहीं है. यहाँ पर ये वो है कि नहीं है. तो यहाँ पर देखिए बी हमारा कंपेयर होगा तो दोनों का एड्रेस ऑफकोर्स अलग होगा, इसीलिए फॉल्स आया. और बाकी ऊपर फॉल्स आया क्योंकि बी हमारा मेंबर नहीं है, उसका कैपिटल एल है, स्मॉल एल नहीं है मेंबर, ठीक है. तो ऐसे आया. अब मैं यहाँ पर ऐसा कह दूँ एल ओ वी ई. तो अब अगर मैंने यहाँ पर बोला कि उससे बाकी लव तो है इसके अंदर, अब ये फॉल्स है. अब वैसे ही अगर मैं इसमें पूरा कर दूँ जे डबल ई टी तो देखिए दोनों में ट्रू आ रहा है क्योंकि दोनों का एड्रेस सेम आएगा. उस बेसिस पर इज आपको देगा ट्रू और ये आएगा आपके पास में कि भाई वो उसका मेंबर है कि नहीं, ये चीज़ चेक हो रही है, ठीक है. क्योंकि इसका नाम ही क्या है, मेंबरशिप ऑपरेटर. इसका नाम क्या है, आइडेंटिटी. ये दोनों की आइडेंटिटी चेक कर रहा है कि दोनों सेम घर से आए हैं कि नहीं आए हैं, दोनों का घर सेम है कि नहीं है. अगर दोनों का घर सेम होता है तभी वो आपको ट्रू देता है, अदरवाइज फॉल्स देता है, ठीक है. तो ये छोटी सी चीज़ थी जो दोनों के बीच में आपको समझनी थी यहाँ पर. आई होप आपको लास्ट तक क्लियर हो गई होंगी चीज़ें, ठीक है. तो चलिए फिर मिलेंगे आपको अगले लेक्चर के अंदर. सो बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल.